सभी को राम राम। आज संडे और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो ग्रैंड विटारा को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। 10.45 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 19.49 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। कुछ वेरिएंट्स में ये टोयोटा हाइराइडर से सस्ती है तो कुछ में महंगी है। इसमें 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो 103 bhp की पावर जनरेट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.11 kmpl, ऑटोमेटिक में 20.58 kmpl और ऑल व्हील ड्राइव में 19.38 kmpl का माइलेज आपको मिल जाता है। और अगर आप इसका 1.5 लीटर थ्री सिलेंडर इलेक्ट्रिक मोटर मतलब कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन खरीदते हो तो आपको 115 bhp की पावर सीवीटी ऑटोमेटिक के साथ और माइलेज मिलता है 27.97 kmpl का। ज्यादातर लोग बात मतलब कि लगभग 40% जो खरीदार हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट के ही हैं क्योंकि माइलेज इतना ज्यादा शानदार मिल रहा है, डीजल से भी बेहतर माइलेज मिल रहा है। टाटा सफारी, पिछले हफ्ते या उसके हफ्ते मैंने आपको एक खबर दी थी कि हैरियर का कुछ नए वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं जैसे कि XMS और XMAS। अब वही वेरिएंट्स सफारी में लॉन्च किए गए हैं। XMS वेरिएंट 17.97 लाख रुपीस का जबकि XMAS 19.27 लाख रुपीस का मिल रहा है। इनमें कुछ फीचर्स जो है ना वो बढ़ा दिए गए हैं XM और XMA के मुकाबले। क्या क्या फीचर्स हैं? लगभग पेनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM और रियर पार्किंग कैमरा। ये वो फीचर्स हैं जो आपको XM और XMA जो स्टैंडर्ड वेरियंट है उससे ज्यादा मिल जाते हैं 1,17,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर XMS और XMAS में। तो आप चाहो तो ये वेरियंट खरीद सकते हो। टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कि इंडिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। 8.49 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 11.79 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। मतलब कि ये इंडिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फोर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो प्राइसेस है ना ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं शुरुआती 10,000 कस्टमर्स के लिए, ठीक है? अगर आप ज़्यादा लेट हो जाते हो तो प्राइसेस आपको थोड़े बढ़कर ही मिलेंगे। बुकिंग्स 10 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है और डिलीवरीज आपको जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो अगर आप चाहते हो तो 10 अक्टूबर से इसको बुक करा सकते हो। बैटरी की बात करें, रेंज की बात करें, तो इसमें दो तरह की बैटरी दी गई है। छोटी वाली जो है वो है 19.2 kWh की, ये लगभग 74 bhp की पावर जनरेट करती है और 114 Nm का टॉर्क। इसमें 250 किलोमीटर की रेंज, 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। बड़ी वाली जो बैटरी है वो है 24 kWh की, ये 61 bhp की पावर जनरेट करती है और 110 Nm का टॉर्क, मतलब कि बड़ी वाली बैटरी कम पावरफुल है और 315 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें 3.3 किलोवाट का जो होम चार्जर इसमें मिलता है उसकी मदद से आप छोटी वाली बैटरी को 5 घंटों में 10% से 100% तक चार्ज कर सकते हो और बड़ी वाली बैटरी को आप 6 घंटा 20 मिनट में चार्ज कर सकते हो इसी 3.3 किलोवाट चार्जर से। बाकी फास्ट चार्जर से तो और जल्दी हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा हाइराइडर को आधा अधूरा लॉन्च किया था, आप लोगों को पता ही है। अब जो बाकी वेरिएंट्स थे उनकी प्राइसिंग भी रिवील कर दी गई है। अब ये 10.48 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.99 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। हाइराइडर के जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरियंट्स है ना वो 50,000 रुपए सस्ते हैं ग्रैंड विटारा से, लेकिन बाकी सभी वेरिएंट्स कहीं ना कहीं कोई 5,000 महंगा है तो कोई 20,000 महंगा है, कोई 30,000 महंगा है। बाकी सारे वेरिएंट्स महंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आप लेना चाहते हो तो हाइराइडर आपको 50,000 रुपये सस्ती मिल जाएगी। वही सब कुछ है, सेम है इंजन और प्लेटफॉर्म, बाकी माइलेज वगैरह सब कुछ सेम है, 50,000 रुपये बची जाएंगे उल्टा। BMW XM को रिवील कर दिया गया, इमेजेस अपन देख सकते हो। ये ब्रांड की पहली डेडिकेटेड MSUV है। इसमें 4.4 लीटर V8 ट्विन टर्बोचार्ज्ड माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है जो 644 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। BMW M8 Competition 50 Array Edition को लॉन्च कर दिया गया है 2.55 करोड़ रुपीस में। आप इसकी इमेजेस भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। Lamborghini Urus काफ़ी फेमस और पॉपुलर SUV है। लॉन्च होने के बाद से शायद 2017 में से लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक इसके 2-3 वर्जन आ चुके हैं इसकी सेल्स को बूस्टअप करने के लिए। अभी एक नया Urus S वर्जन रिवील किया है, ये भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये भी देखते हैं कितने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाता है। देश दुनिया में जो है सो है, लेकिन इंडिया में भी Lamborghini Urus को खरीदने वाले काफी कस्टमर्स हैं। Mercedes Benz EQS 580 को लॉन्च कर दिया गया है 1.55 करोड़ रुपीस में। यह गाड़ी अभी तक की इंडिया में सबसे ज्यादा रेंज क्लेम करने वाली गाड़ी है। इसमें 857 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। एक बार चार्ज करने पर यह 857 किलोमीटर तक चल सकती है।
इसमें 107.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो लगभग 523 bhp की पावर जनरेट करती है और 855 nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो भाई अगर 1.5 करोड़ रुपए आपके पास है तो ये काफी बेहतर ऑप्शन है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हिसाब से देखा जाए तो। फरारी SP51 सुपरकार को अनवील कर दिया गया है। इसमें 6.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन मिलता है जो लगभग 800 bhp की पावर और 718 nm का टॉर्क जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं तो भाई एस्टन मार्टिन DBX 707 को लॉन्च कर दिया गया है 4.63 करोड़ रुपीस में। ये इस ब्रांड का इंडिया में अभी तक का सबसे महंगा मॉडल है। इसमें 4 लीटर V8 इंजन मिलता है जो लगभग 707 bhp की पावर और 900 nm का टॉर्क जनरेट करता है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हैरियर के फेसलिफ्ट के बारे में बातें चर्चा कुछ चलने लगी हैं, तो हैरियर के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है और जो इमेजेस निकल कर आई हैं उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें एडास मिलने वाला है। 99% श्योर हैं कि इस गाड़ी में एडास मिलेगा। इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, फीचर्स थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे, चाहे वो सेफ्टी टैग हो या फिर कम्फर्ट टैग हो, आपको कुछ नया ही मिलने वाला है, ज़्यादा ही मिलने वाला है। कब तक लॉन्च होगी नहीं पता, लेकिन अगले साल ही होगी इतना तो श्योर है बॉस। देखते हैं प्राइसेस कितने बढ़ते हैं इस गाड़ी के। तो आप देख सकते हो एडास अब एक वो बन गया है ट्रेंडिंग फीचर। जिम्नी 5-डोर को दोबारा से टेस्ट करते हुए देखा गया है, जो अगले साल ऑटो एक्सपो होने वाला है उसमें इसको रिवील किया जा सकता है और जल्दी ही फिर लॉन्च भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन वर्ना को एक बारी और टेस्ट करते हुए देखा गया है। अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ ना, तो ग्लोबल मार्केट में जो एलेंट्रा अवेलेबल है उससे इंस्पायर्ड होने वाली है इसकी डिज़ाइन, तो नो डाउट ये वाली वर्ना ने काफ़ी सेक्सी लगने वाली है। अगर आप सेडान्स के शौकीन हो तो वरना आपको सेटिस्फाई कर सकती है। लॉन्च अगले साल होगी, अभी नहीं। जावा 42 बॉबर को लॉन्च कर दिया गया। ये 2.06 लाख रुपीज से शुरू होकर 2.09 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसमें 334 cc का इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर जो लगभग 30.64 cc की पावर और 32.64 nm का टॉर्क जनरेट करती है। डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 रैली को अनवील कर दिया गया है। इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बजाज और ट्रायम्फ वाले मिलकर कुछ बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं। उसकी जो बाइक है जिनको वो बनाया है इन्होंने, उसको टेस्ट करते हुए देखा गया है इंडिया में पहली बार। तो देखते हैं क्या खास मिलता है इस मिशरन वाली बाइक में। हीरो एक्सट्रीम 160R स्टिल्थ एडिशन 2.0 को लॉन्च कर दिया गया 1.3 लाख रुपीस में। इसमें नया रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन कलर जो है वो अवेलेबल है और साथ ही में इसमें एक हीरो कनेक्ट टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। इसकी मदद से आप ब्लूटूथ के जरिए गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। किस रेंज तक कर सकते हो नहीं पता, लेकिन कर सकते हो। यामाहा एरो एक्स मोटो जीपी एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 1.41 लाख रुपीस में। कावासाकी W175 को भी लॉन्च कर दिया गया है 1.49 लाख रुपीस में। इसमें 177 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो लगभग 13 bhp की पावर और 13.2 nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।